फंक्शनल ग्रुप्स की। फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से थे हमारे सिलेबस के? एक तो फोरेज ग्रुप था, एक सी एच ओ, एक सी ओ और एक बताया था सी ओ। इस ग्रुप का नाम था एल्कोहल ग्रुप, इस ग्रुप का नाम था एल्डिहाइड, इसका था कीटोन और लास्ट वाला था कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हमने लिखा था कि हर एक ग्रुप के लिए पर्टिकुलर सफिक्स जो है वो फिक्स किया गया है कि किस ग्रुप के लिए कौन सा सफिक्स यूज होना है। तो एल्कोहल के लिए क्या था? ओएल। एल्डिहाइड के लिए एल, कीटोन के लिए ओन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ये सारी टेबल हमने ऑलरेडी बना ली थी लास्ट टाइम। फिर हमने ये भी सीखा था कि जैसे मीथेन है, मीथेन का फार्मूला CH4 होता है, अगर मैं उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लूँ तो उसकी एक बॉन्ड क्या हो जाती है? फ्री हो जाती है। तो वो एक बॉन्ड फ्री हो गई और क्या बन रहा है? वो CH3। अब इसको हम मीथेन ना बोलकर क्या बोल देते हैं? ऐसे ही इथेन। डेविक इथेन का फार्मूला क्या होता है? C2H6। इथाइल का फार्मूला क्या हुआ? बच्चों अगर आपको ये आइल वाला ग्रुप बनाना है जिसको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस ग्रुप को? एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अगर आपको ये वाला ग्रुप बनाना है तो आपको एल्कीन में से एक हाइड्रोजन को हटा देना है। क्या करना है? सिंपल सा, एक हाइड्रोजन को हटा देना। इथेन के पास CH4, एक हाइड्रोजन हटा दो तो CH3 और एक बॉन्ड फ्री, उसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। इथेन का फॉर्मूला C2H6, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो एक बॉन्ड फ्री C2H5 और उसको क्या बोलेंगे? इथाइल। ऐसे ही प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है। फिर मैंने कहा था आपसे कि हम अब देखने वाले हैं एल्कोहल ग्रुप की नेमिंग। कौन से ग्रुप की? एल्कोहल ग्रुप होता है OH वाला ग्रुप, और इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? क्या सफिक्स यूज किया जाता है इसके लिए? O, ठीक है। तो अब इसका नाम रखते हैं, देखते हैं कैसे रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास CH4 है मीथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गई तो ये CH3 और एक बॉन्ड इसकी क्या हो गई? फ्री। उस फ्री बॉन्ड पर अगर OH ग्रुप अगर जुड़ गया तो ये बन जाएगा CH3OH। क्या बनेगा ये? CH3OH। अब इसका नाम रखते हैं। नाम रखने से पहले इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं एक बार CH3OH का। तो तीन तो हाइड्रोजन ही जुड़े हैं इस पर, और यहाँ पर कौन जुड़ गया है? कौन जुड़ गया यहाँ पर? ठीक है। अब इसका नाम करते हैं। एक कार्बन आ रहा है तो मेथ, एक कार्बन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा तो नाम होना चाहिए था सिंपल सा मीथेन। लेकिन क्योंकि इसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप के लिए क्या सफिक्स यूज होता है? पूल। तो मैं ई को हटा दूंगा। IUPAC का कहना यह है कि लास्ट वाले ई को हटा दो और उसकी जगह ये वाला सफिक्स लगाओ जो इसमें दिया गया है। क्या है? ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? इसका नाम क्या पड़ेगा? ये तो इसका IUPAC नेम हो गया रूल के हिसाब से। अगर मुझे इसका कॉमन नेम बताना है तो मैं इसका वैसे बता सकता हूँ कि भाई CH3 को क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? मिथाइल। और OH कौन सा ग्रुप होता है? तो इसका नाम मिथेनॉल IUPAC के हिसाब से, मोल के हिसाब से हो गया। और वैसे हम नॉर्मली इसको क्या बोल सकते हैं? एक ही बात है ना, मिथेनॉल तो मोल के हिसाब से बता दिया मैंने आपको कि भाई एक कार्बन तो मैथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, ई को हटाया उससे ए क्या लगाया? OH। तो यहाँ पे नाम क्या पड़ा? मिथेनॉल। अगर मैं इसका वैसे नाम देखूँ तो CH3 क्या होता है? मिथाइल। OH ग्रुप को क्या बोलते हैं? एल्कोहल। तो इसको और क्या बोलेंगे? मिथाइल एल्कोहल। तो ये दोनों नाम इसके ठीक है। ये किस किस को समझ आ रहा है? ये कौन से नंबर का एग्जाम्पल है हमारा? 22 नंबर डालकर
पहले हेल्प वॉल आईडी बना लो दो लाइन का यूज करके और फिर 22 नंबर डाल कर इसे नोट करो। और एग्जांपल देखते हैं इसका, दिस इज एग्जांपल नंबर 23। C2H6 किसका फॉर्मूला है? अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं C2H5। अब इसमें एक बॉन्ड फ्री है, उस फ्री बॉन्ड पर OH ग्रुप आपने जुड़ सकता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H5। क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? C2H5। और अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो दो कार्बन इस तरह से जुड़े हुए हैं, सब पर हाइड्रोजन है, बस एक बॉन्ड पर क्या लगा हुआ है? इसका नाम रख लेते हैं, क्योंकि दो कार्बन है इसलिए H, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, लेकिन OH ग्रुप आ गया तो E को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, तो नाम क्या पड़ेगा? इथेनॉल। और कहाँ पढ़ा है हमने? लाइफ प्रोसेस में वो पढ़ा था ना ग्लूकोज का, जब वो पढ़ते थे कि वो कैसे कैसे डिवाइड हो सकता है, कैसे कैसे उसका हो रहा था डीकम्पोजिशन हो रहा था अलग अलग पार्ट्स में, तो इथेनॉल आया था। इथेनॉल का फॉर्मूला भी बताया था उस टाइम, क्या होता है? C2H5। इथेनॉल को और क्या बोल सकते हैं? C2H5 के लिए क्या आता है? इथाइल। और OH ग्रुप के लिए क्या आता है? इथाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं इसको, तो इथेनॉल लिखा है, इथाइल एल्कोहल लिखा है, तो एक ही बात समझ के जाएंगे। हो गया ये नोट, हम मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे आगे वाले एग्जांपल्स। हो गया ये नोट, करो जब चलो करते हैं लाइक और एग्जांपल। दिस इज एग्जांपल नंबर 24। इस बार तीन कार्बन है और किसी एक कार्बन पर OH ग्रुप आकर जुड़ गया है, बाकी बचे हुए पर कौन आएगा? कौन आएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमें सबको पूरी करनी आती है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C3H7H। नाम रखेंगे इसका, क्योंकि तीन कार्बन है तो प्रॉप, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स देखने को मिल रही है इसलिए N, O को E को हटाना पड़ेगा, क्यों हटाना पड़ेगा E को? क्योंकि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं? O। तो नाम क्या पड़ेगा इसका? प्रोपेन। अमन सनी और क्या रख सकते हैं इसका नाम? इसके लिए CH3 के लिए प्रोपाइल और उसके लिए आपने बताया एल्कोहल, इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों? प्रोपाइल। ओके, एक और एग्जांपल बताओ। विदाउट यूजिंग पेन बताना है इस बार, नाम बता दो बस रेज एंड करके। एच को मैंने इधर लिख दिया, उधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एच तो कहीं भी लिख सकते हैं। बताओ अच्छे, प्रोपेनॉल, गुड, प्रोपेनॉल, गुड, प्रोपेनॉल, तो फिर ये भी प्रोपेनॉल और ये भी प्रोपेनॉल। यहाँ पर OH सेकंड नंबर पर जुड़ा हुआ है तो आपको वो नंबर मेंशन करना पड़ेगा, वो पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर OH फर्स्ट पोजीशन पर जुड़ा हुआ था इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, चल गया काम, लेकिन यहाँ पर OH की पोजीशन क्या है? सेकंड पोजीशन है, 1, 2, 3। याद है कार्बन की नंबरिंग करते थे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढते थे, तो 1, 2, 3, तो आपका जो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, ये कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है? सेकंड नंबर पर। तो है तो ये प्रॉप, क्योंकि सब तीन कार्बन है। एन क्यों आ रहा है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ई को हटा देते हैं क्योंकि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है? सेकंड नंबर पर। तो सेकंड नंबर पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है? OH। OH के लिए क्या यूज करते हैं? ओल। तो इसका नाम पड़ेगा प्रोपेन 2-ऑल। इसका पढ़ना चाहिए था प्रोपेन 1-ऑल, लेकिन 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती इसलिए नहीं लिखा था। यहाँ पर सेकंड नंबर पर आ रहा है, सेकंड नंबर को मेंशन करना ज़रूरी है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या पड़ेगा? प्रोपेन 2-ऑल। ये किस किस को समझ आ रहा है?
कोई डाउट है इसमें? कर लो सभी कॉपी। 26 बता दो नाम। ब्यूटेन टू होल, इट इज करेक्ट। वन वन कह रहा ब्यूटेन टू होल। डाउटफुल है कुछ के लिए। नंबरिंग ऐसे रखूं 1 2 3 4 या 1 2 3 4? जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। छोटा नंबर इधर से मिल रहा है तो ऊपर वाली काउंटिंग को हटा देते हैं। जो रेगुलर क्लास अटेंड करते आ रहे हैं, लगातार रूल्स सीख रहे हैं, उनको तो बिल्कुल आराम से समझ आ रहा होगा। दिक्कत उनको आ रही होगी जिन्होंने क्लास मिस की होंगी। तो ये सारी क्लासेस मैंने रिकॉर्ड करके डाल रखी हैं, वहाँ से देख लेना। अगर कोई भी क्लास मिस हुई हो तभी समझ आएगा ये। इसी वजह से मैं सारी क्लासेस की वीडियोस बना रहा हूँ। यहाँ पर इसमें नंबरिंग हमने डाल दी, कौन से नंबर पर आ रहा है? OH। फंक्शनल ग्रुप को बाद में लिखते हैं, याद है? सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते थे, फंक्शनल ग्रुप को बाद में लिखा जाता है, बस इतना ध्यान रखें। क्या नाम रखें इसका? चार कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन में तो ए। लेकिन ई को हटाना पड़ेगा क्योंकि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड। तो ब्यूटेन टू और, ये चीज़ समझ आ रही है सभी को? इसको भी नोट कर लेना जल्दी से। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखो अपने पास, स्टार डालकर देखो इम्पॉर्टेंट नोट में। फंक्शनल ग्रुप हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। फंक्शनल ग्रुप हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखनी है। अगर मेरे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, अभी देखेंगे इसके एग्जांपल, तो मुझे सबसे छोटा नंबर किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप। मुझे काउंटिंग वहाँ से लेनी है जहाँ से मेरे फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिल रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देनी है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर आ रहा है तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की है, और फिर सबसे लास्ट में किसकी है? सब्स्टिट्यूएंट। अपने पास ये एफ जी का मतलब है यहाँ पर फंक्शनल। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसके लिए जाएगी? फंक्शनल ग्रुप को। प्रायोरिटी से मेरा मतलब है सबसे छोटा नंबर फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए, काउंटिंग ऐसे लिए। ओके, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा था एल्डिहाइड और तीसरा था कीटोन, दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये डालो, अभी नोट मत करना, सिर्फ समझने पर फोकस करना। दो ग्रुप से एक साथ समझने की कोशिश करते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। एल्डिहाइड का ग्रुप होता है CHO, यहाँ ग्रुप नहीं लिखता है, बस वो लिख देता हूँ क्या यूज करते हैं एल्डिहाइड के लिए। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स यूज होता है AL, और कीटोन के लिए यही होता है। ठीक, इनका दोनों का फॉर्मूला और उनका स्ट्रक्चर बनाकर दिखा रहा हूँ, फिर थोड़ी सी सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। एल्डिहाइड का होता है CHO और इसका होता है CO। इसके स्ट्रक्चर को जब एक्सपेंड करके देखा जाता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है। एक कार्बन है, उसके साथ डबल बॉन्ड बनाकर कौन रह रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बनाता है। ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कैपेसिटी है, तो वो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और कार्बन के साथ कर लेता है। क्या कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, कोई बात नहीं। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर रह रहा है क्योंकि ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट थी, तो कार्बन ने बना ली, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कौन आ गया? हाइड्रोजन। एक बॉन्ड अभी भी इसकी फ्री है, एक बॉन्ड अभी भी क्या इसकी? यहाँ पर देखो इस वाले ग्रुप में एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर ऑक्सीजन दे रहा है क्योंकि ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट थी और कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता था, तो इसलिए बना दिया। अभी कार्बन के कितनी बॉन्ड्स फ्री हैं? कितनी बॉन्ड्स फ्री हैं? तो यहाँ पर कार्बन की एक बॉन्ड फ्री है, यहाँ पर कार्बन की टू बॉन्ड्स फ्री हैं। ज़रा देखना,
अगर मैं यहाँ पर H लगा दूँ तो क्या ये और ये ग्रुप सेम हो जाएंगे? अगर मैंने यहाँ पर H लगा दिया तो क्या ये और ये ग्रुप सेम हो जाएंगे? हो जाएंगे ना, इसलिए वहाँ पर H नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना है? H नहीं लगाना है। तो फिर क्या लगाना? फिर तो सिर्फ कार्बन लगा सकते हैं ना, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? जो स्टार्टिंग से टॉपिक चलता आ रहा है, जो टेबल आपने आज डिवाइस की थी, वो किसकी टेबल है? तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन होता है या कार्बन होता है? अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन लगा दूँ फिर तो ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या बन जाता है? बिल्कुल ये भी सी एच ओ, ये भी सी एच ओ। फिर तो दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा, तो इसका मतलब मैं वहाँ हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा। हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा तो कौन लगाऊंगा? क्या लगाऊंगा? अभी उसके बारे में दोबारा बात करते हैं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि ये दोनों ग्रुप कहीं ना कहीं सेम हैं, दोनों ही ग्रुप सी ओ से आए हैं, और इन दोनों का ग्रुप का जो मास्टर है वो है कार्बोनाइल ग्रुप। क्या कहलाता है वो ग्रुप? कार्बोनाइल ग्रुप, क्योंकि दोनों में सी ओ आ रहा है और उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। अगर मैं उसमें एक में हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ तो वो स्पेशली क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। और अगर दोनों जगह हाइड्रोजन की जगह कुछ और जोड़ रहा हूँ, कार्बन जोड़ रहा हूँ, तो उसको क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? एक बार पहले इसे नोट करो और इसको नोट करके बॉक्स में बंद कर लेना, बॉक्स बनाना डबल वाला, ताकि पता रहे कि ये इम्पोर्टेंट है। चलो देखो शांत, मैंने आपको सिर्फ अभी तक ये बताया कि जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप होता है वो सी एच ओ ग्रुप होता है। ओके, अभी सिर्फ फोकस करेंगे एल्डिहाइड वाले ग्रुप पे। अभी सिर्फ फोकस करेंगे एल्डिहाइड वाले ग्रुप पर। एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो सी एच ओ ग्रुप होता है, और ये जो सी एच ओ ग्रुप है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास जो सफिक्स यूज होता है वो क्या यूज होता है? राइट। इसके अलावा हमें किस इसका स्ट्रक्चर याद रखना है सी एच ओ का। इस सी के साथ डबल बॉन्ड पर कौन जुड़ा हुआ है? क्योंकि ऑक्सीजन बनाता ही डबल बॉन्ड है, और कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाकर रहता है। एक बॉन्ड पर कौन है? हाइड्रोजन। और एक बॉन्ड इसकी फ्री, क्या इसकी एक बॉन्ड? यहाँ तक समझ आ रहा है? अब इस फ्री बॉन्ड पर कोई भी आकर जुड़ सकता है। ये कौन सा ग्रुप कहला रहा है? हाइड्रोजन। ये जो मैं डैश लगाता हूँ, ये डैश मतलब शो कर रहा है कि ये बॉन्ड फ्री है, इस पर कोई भी आकर जुड़ सकता है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ रहे हैं? तो हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि या तो हाइड्रोजन आगे जुड़ेगा या कार्बन, दो ही ऑप्शन है जुड़ने के लिए, या तो हाइड्रोजन या। तो क्या मैं यहाँ हाइड्रोजन जोड़ सकता हूँ? बिल्कुल जुड़ सकता है। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड फ्री थी, बन गया। ठीक है, अब इसका नाम रखते हैं। पहले इसको सिंपल रखता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, एच जो मैंने जोड़ा और सी एच। एच जो मैंने जोड़ा वो एच, और सी एच ओ तो ग्रुप का ही नाम है, तो इसको बोलेंगे एच सी एच ओ। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये जो बॉन्ड फ्री थी ना, इस फ्री बॉन्ड पर कोई भी आकर जुड़ सकता है, कोई भी से मेरा मतलब है तो हाइड्रोजन या कार्बन, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल मैंने किसको जोड़ा है यहाँ पर? हाइड्रोजन। किसको जोड़ दिया है? हाइड्रोजन। ये क्या बना है? एस सी एच ओ। ठीक है, इसका नाम रखते हैं। कितने कार्बन है इसमें? वन। तो एक कार्बन के लिए मैं सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल है? कितने बच्चे कह रहे हैं डबल बॉन्ड है, तो इसमें क्या आना चाहिए? दोबारा सोचो और फिर बताओ। एन ही आएगा, क्योंकि वो जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखनी होती है वो कार्बन और कार्बन के बीच में देखनी होती है। किस किस के बीच में? स्पेशली ये बताया भी था, लिखवाया भी था जब हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन लिखवाई थी, और कहा भी था कि इसे याद रखना बात को, क्योंकि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखनी है वो देखनी है एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में। क्या यहाँ दूसरा कार्बन है? फिलहाल दूसरा कार्बन नहीं है, इसलिए हम सिंगल बॉन्ड ही मान के चलेंगे, और इसलिए क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड बना तो रखी है, लेकिन ये किसने बना रखी है? ऑक्सीजन ने, कार्बन के साथ। हमें जो देखनी होती है वो किसकी देखनी होती है? कार्बन से कार्बन के बीच। याद रखोगे इस रूल को? ये रूल किस किस को क्लियर हो रहा है? अब इसका नाम देख लेते हैं। एक कार्बन था तो मेथ, एक कार्बन तो सिंगल बॉन्ड पे ही चलेगा, तो एन आ जाएगा। एन के बाद ईगो,
हटा देंगे क्योंकि सी एच ओ ग्रुप जुड़ा है और सी एच ओ ग्रुप के लिए क्या आता है, तो नाम क्या बढ़ेगा, नाम क्या बढ़ेगा, मीठे नाम क्या बढ़ेगा इसका, करो इसको कॉपी। ये कौन से नंबर का एग्जांपल हुआ, 27। एल्डिहाइड ग्रुप एडिंग बना लो, ये सब लिख लो और फिर 27 नंबर डाल दो, इसको कॉपी करो। जो चीज जैसे लिखी हुई है उसको जैसे चेंज नहीं कर सकते, आगे देखेंगे चेंज। एग्जांपल देखते हैं, जरा फिर से बोर्ड पर फोकस करना। फिर से सी एच ओ ग्रुप ले रहा हूँ, ये जो सी एच ओ ग्रुप है इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, सी के साथ डबल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड के साथ एच, और एक बॉन्ड इसकी क्या होती है, फ्री। उस फ्री बॉन्ड पर कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी जुड़ सकता है, मेरा मतलब है हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है और कार्बन भी। फिलहाल किसको जोड़ा था, तो अब कार्बन को जोड़ देता हूँ, किसको जोड़ देता हूँ, कार्बन। लेकिन कार्बन एक बॉन्ड थोड़ी ना बनाता है, कितने बनाता है, कितने बनाता है, तो बची हुई तीन पर कौन आ जाएगा, ये किस किस को समझ आया, क्या क्या भाई, जो बॉन्ड फ्री थी उस फ्री बॉन्ड पर मैंने किसको जोड़ दिया, कार्बन को, क्योंकि मैं या तो हाइड्रोजन जोड़ सकता हूँ या कार्बन। हाइड्रोजन वाला केस तो ले लिया मैंने, अब कौन सा केस ले रहा हूँ, कार्बन वाला, तो इस बार मैंने किसको जोड़ दिया, कार्बन को। अब कार्बन एक बॉन्ड थोड़े ना बनाता है, वो तो कितने बनाता है, फोर। तो जो तीन बॉन्ड्स बनी है उस पर कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। जो तीन बॉन्ड्स फ्री थी उन पर कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। अब ये जो कंपाउंड बना है इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो ये शॉर्ट में क्या कहलाएगा, CH3CH, क्या कहलाएगा ये शॉर्ट में, CH3CH। अब मुझे इसका नाम रखना है, अब अगर मुझे इसका नाम रखना है तो मुझे देखने पड़ेंगे इसमें कितने कार्बन है, बताओ नंबरिंग 1 2 ऐसे करूं या 1 2 ऐसे करूं, ऊपर वाले के साथ बताओ, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए, ये जो सी एच ओ है इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए, काउंटिंग में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट करना है, लिख लो अपने पास ऊपर मार्जिन में, वाइल काउंटिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वाइल काउंटिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एड कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एड कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, एड कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी एड करना है, एड फंक्शन, एड कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, ठीक है। तो ये नहीं कि ये तो सी एच ओ तो एल्डिहाइड का पार्ट है, हम इसे क्यों काउंट करें, इसे काउंट करना है। अब मैं 1 2 ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना है, तो छोटा नंबर यहाँ से मिल रहा है नीचे वाली काउंटिंग से, इसमें ऊपर वाली काउंटिंग को हटा, इसको 1 इसको 2, फंक्शनल ग्रुप को 1 मिल गया और इसको 2। अब नाम रखते हैं इसका, इसका नाम रखने के लिए कितने कार्बन है, 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है, एच। कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसी है, सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, ए। बॉन्ड के लिए क्या आता है, ए। लेकिन ई को हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि सी एच ओ ग्रुप जुड़ा हुआ है और सी एच ओ ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसके लिए क्या सफिक्स आता है, ए। तो इसलिए नाम क्या पड़ेगा, इथेनॉल। क्या नाम पड़ेगा बच्चों इसका, इथेनॉल। अब ये किस किस को क्लियर हो रहा है, यशस्वी क्लियर हो गया आपको, अभी एल्डिहाइड वाला पॉइंट, वैष्णवी क्लियर हो रहा है आपको, और कोई डाउट यहाँ पर किसी को, एक दो नाम अब हम खुद से रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बेसिक आइडिया तो लग ही गया, ये नोट करते आ रहे हैं ना मेरे साथ साथ, 29th वाला आइडिया देखो। अभी सिंपल सब रहा, कौन कौन बता सकता है इसका नाम, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, सी एच ओ, सी एच ओ ग्रुप कौन सा होता है, सी एच ओ ग्रुप क्या कहलाता है। दूसरी चीज ये आइडेंटिफाई करो, 1 2 3 या 1 2 3, नीचे वाली या ऊपर वाली, 1 2 3 बोल रहे हैं, नीचे वाली या ऊपर वाली,
नीचे वाले, क्योंकि इससे मेरे फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर लगेगा। ओके, और फंक्शन ग्रुप के कार्बन को काउंटिंग में लेना है। ओके, उसके साथ कोई वो नहीं करनी, बेस वाले 1 2 3 नाम रखते हैं। तीन कार्बन है तो टॉप, तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन, ई को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, ए, क्योंकि सी एच ओ ग्रुप जुड़ा हुआ। तो नाम क्या पड़ेगा, प्रोपेन। क्या नाम पड़ेगा इसका, प्रोपेन। बना लो अपने पास, बातें करता बना नजर आया मुझे कोई। अगर इसका नाम सही रख दिया तो आपको पूरी आईयूपीएसी अब तक की क्लियर हो गई है, बस इसका नाम सही रख के दिखा दो। सीख लो, देखो तुम्हें तो टाइम दे दिया ना मैंने, अब सीखने में टाइम लगाओ जरा। नंबरिंग करनी है क्योंकि इसमें ब्रांच आ रही है, तो ब्रांच में क्या देखते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं। क्या देखते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। याद है ना ये रूल हमने पहले सीखा है, जब भी हमारे कंपाउंड में ब्रांच आ जाएगी तो हम क्या देखेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कहीं से भी जाऊं तो मुझे 3 की मिल रही है, 3 के अलावा देखो कोई और मिल रही है, तो इधर से आऊंगा 3, इधर से आऊंगा 3, कहीं से भी जाऊंगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढने का काम कर चुके हैं, हर जगह से मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी मिल रही है, 3 की। तो मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को इस तरह से शुरू करूँगा कि मेरे फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिले, फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर। अभी लिखवाया था ना इंपॉर्टेंट नोट में कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर देना। तो फंक्शनल ग्रुप ये है तो इसको सबसे छोटा नंबर 1 दिया जा सकता है, यहाँ से शुरुआत की जा सकती है 1, फिर 2, ऐसे जा रहा हूँ चेन को ढूंढने के लिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ रहे हैं। और फंक्शनल ग्रुप से शुरुआत इसलिए की है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर देना है, और सबसे छोटा नंबर क्या बैठ रहा है यहाँ पर, 1। तो 1 2, या तो इधर जाऊँगा या इधर जाऊँगा, इधर भी जा सकता हूँ इधर भी जा सकता हूँ, एक ही बात है। कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन। जो चेन का पार्ट नहीं है उसको क्या बोलते हैं, जो चेन का पार्ट नहीं है उसको क्या बोलते हैं। अब इसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले तो हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते थे विद पोजीशन, कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, सेकंड पर। क्या नाम है इस सब्स्टिट्यूएंट का, बोलो भाई ऐसे बिल्कुल जैसे याद है, क्या नाम है इस सब्स्टिट्यूएंट का, बाकी बचा हुआ नाम कार्बन चेन के हिसाब से लिखते थे। कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रॉक। सब में सिंगल बॉन्ड है तो ए, और ई को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा ग्रुप है, सी एच ओ, और सी एच ओ ग्रुप के लिए क्या आता था, ए। तो इसका सही नाम क्या होगा, 2-methylpropanol। किस किस को समझ आया अभी, ऊँचा हाथ उठा देना, चलो एक बार सही हमका ठीक था, उसके लिए क्लैपिंग कर दो। ये नोट करो इसको अपने पास, और खुद से दिमाग से सोच के नोट करो। मेरे पास एग्जांपल्स हो गए किस ग्रुप के, एल्डिहाइड के। अब हम एग्जांपल्स देख रहे हैं कीटोन के, कीटोन ग्रुप जो होता है इसके लिए हमारे पास आता है CO, और कितनी बॉन्ड्स फ्री रहती है इसमें, 2 बॉन्ड्स फ्री रहती हैं कार्बन की, जिन पर कोई भी आकर जुड़ सकता है। और इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, ओन। 1 नहीं पढ़ते इसको, ओन पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ओपन करके दिखाऊं तो इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बनता है, राइट। अब अगर ये दोनों फ्री बॉन्ड्स जो हैं, अब सीखना बोर्ड पर, अब सीखने का काम शुरू हो गया। कौन से नंबर का एग्जांपल है, 31। मैंने आपको इतने सारे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिखा दिए कि हमने सारे ही कवर कर लिए, अब आपको कभी भी इन फ्यूचर भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्या करते हैं, बीच बीच में से सिखा देते हैं, वो समझ नहीं आता, इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ सीक्वेंस में सिखाया है। और 31 एग्जांपल पर हम पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब अब हम कंपाउंड्स के नाम खुद से रख सकते हैं, टूल्स भी हमें सारे पता चल गए, ओके। और ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ कौन रह रहा है, ऑक्सीजन, और 2 बॉन्ड्स फ्री हैं, इन 2 फ्री बॉन्ड्स पर कोई भी आपका जुड़ सकता है, कोई भी आपका जुड़ने का मतलब है या तो हाइड्रोजन या, क्या मैं हाइड्रोजन जोड़ सकता हूँ, अगर मैंने इसमें हाइड्रोजन जोड़ दी तो ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा,
कौन सा बन जाएगा ये? वही तो होता है CHO, CHO ग्रुप कौन सा होता है? तो मुझे इसे एल्डिहाइड तो नहीं बनाना ना, एल्डिहाइड तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं, तो मुझे इसको एल्डिहाइड नहीं बनाना, तो मैं हाइड्रोजन नहीं जोड़ूंगा। हाइड्रोजन नहीं जोड़ूंगा तो और क्या जोड़ सकता हूँ? क्या जोड़ सकता हूँ? तो फिर मेरी मजबूरी बन जाती है कि मुझे इधर भी कार्बन जोड़ना पड़ेगा और इधर भी क्या जोड़ना पड़ेगा? कार्बन। क्योंकि अगर मैंने एक भी साइड हाइड्रोजन जोड़ दिया ना बच्चों, फिर वो कीटोन ग्रुप नहीं रहेगा, फिर वो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा वो? और एल्डिहाइड थोड़ी ना पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं? कीटोन। ये किसी को समझ आ रहा पॉइंट? क्लियर नहीं हुआ आपको? क्लियर हो गया? बाकी सबको क्लियर है? आरा ग्रुप का क्लियर है आपको ये? तो मैं दोनों साइड में से कहीं भी हाइड्रोजन नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि अगर मैंने इधर की साइड या इधर की साइड कहीं भी हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये CHO ग्रुप बन जाएगा, और CHO ग्रुप एल्डिहाइड होता है, कीटोन नहीं होता। तो मुझे हाइड्रोजन नहीं जोड़ना, मुझे क्या जोड़ना है फिर हाइड्रोजन के अलावा? कार्बन। क्या जोड़ना है? अब कार्बन की बची हुई वैलेंसी कौन पूरी करता है? हाइड्रोजन। इसके पास, इसके पास इसका नाम रखते हैं हम। नाम रखने के लिए नंबरिंग देनी पड़ेगी, नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट करना। 1, 2, 3 या 1, 2, 3 ऊपर वाली या नीचे वाली? दोनों सेम है, दोनों से फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पर आ रहा है? सेकंड पर आ रहा है। ओके, तो कोई सी भी ले लो। कितने कार्बन है बोलते जाओ, यही समझते जाओ, एक्टिव होकर बैठो क्लास में। कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या आता है? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है सारी, ये डबल बॉन्ड भी आ रही है। हमें तो कार्बन कार्बन के बीच में देखनी है, बाकी कोई कुछ भी बनाता रहे हमें उससे मतलब नहीं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या आना चाहिए? एन। लेकिन हमें क्या हटाना पड़ेगा? और ई की जगह ग्रुप लगाना पड़ेगा। कौन सा ग्रुप? कौन सा ग्रुप लगाना है? कौन से नंबर पर आ रहा है? तो इसका पूरा नाम क्या पड़ेगा? प्रोपेन 2। क्या नाम पड़ेगा इसका? कर लीजिए इसके, इसका जरा फिर से देखो बोर्ड पर, एक और एग्जांपल देख रहे हैं, एक और एग्जांपल समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं एक रिजल्ट पर पहुंचूंगा, तो इसलिए इस एग्जांपल को और ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कौन सा ग्रुप है? बोलो एक साथ, बोलो इधर ध्यान दो, समझो। कौन सा ग्रुप है ये? कौन सा ग्रुप है ये? अब कौन सा ग्रुप है? तो अगर मैं हाइड्रोजन लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? तो मैं हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा, फिर कौन लगा सकता हूँ मैं? कार्बन। इधर भी और जरूरी है दोनों साइड एक एक कार्बन लगाऊ, कितने भी लगा सकता हूँ। कैसे? एक कार्बन यहाँ लगा दिया मान लो, अब ये कार्बन कितनी बॉन्ड्स बनाएगा? 3। तो इसकी एक बॉन्ड पर एक और कार्बन लगा रख सकते हैं नहीं, और बची हुई बॉन्ड्स पर कौन आ जाएगा? इसके पास कितनी बॉन्ड्स बन गई? उन तीनों पर कौन आ जाएगा? चाहे एक और कार्बन लगा दो वहां पर, ऐसे कितने कार्बन लगा सकता हूँ मैं? और लंबी चेन बन सकती है, ऐसे जरूरी थोड़ी ना यहाँ एक कार्बन लगाना है, कितने भी लगा सकता हूँ। एक लगा दिया, अब इसके पास कितनी बॉन्ड बची है? 3। उनमें से एक बॉन्ड पर फिर से क्या लगा दो? कार्बन। इसके पास भी 3 होंगी, फिर उस पर एक और क्या लगा दो? कार्बन। ऐसे मैं यहाँ भी कितना भी जा सकता हूँ, यहाँ पर भी कितना भी जा सकता हूँ, ये दोनों साइड इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकता है। मैंने यहाँ एक लगाया, यहाँ 3 लगा दिए। हो सकता है मैंने यहाँ 2 लगाए, वहाँ भी 2 लगा दिए। हो सकता है मैंने यहाँ 2 लगाए, वहाँ 4 लगा दिए। हो सकता है नहीं, तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं, और इसीलिए हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो देखो ये था ग्रुप, कौन सा ग्रुप था ये? अब मैं यहाँ पर भी कार्बन लगा सकता हूँ, कितने भी राइट हैंड साइड भी कार्बन लगा सकता हूँ, कितने भी। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने 1 लगाया और यहाँ पर लगा रहा हूँ 2, ठीक है। लगा कितने भी सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। ये किस किस को क्लियर हो रही है बात? सभी का ध्यान है यहीं पर। बची हुई बॉन्ड्स कौन पूरी करता है? इसके पास तो बची नहीं है, इसके पास इसका नाम कौन कौन बता सकता है? रेजन कलर वर्बली बुदावतिका ब्यूटेन 2 1, 2, 3, 4 फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए, इधर से ही मिल रहा है सेकंड नंबर। नाम रखते हैं, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है सब में तो एन,
किसको हटाएंगे? सिर्फ बी को हटा देंगे। और कौन से नंबर पर आ रहा है? सेकंड नंबर पर। कौन सा ग्रुप था? तो ब्यूटेन टू ऑन इसका पूरा नाम पड़ेगा। ये किस किस को समझ आ रहा है? अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लो अभी भी, रेज हैंड करके मुझे अपने पास बुला लो, मैं आपको समझा दूँगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? इधर क्लियर हो रहा है सभी को? ये कौन सा ग्रुप था? कीटोन। कीटोन में अगर हाइड्रोजन जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? एटीएन। इसलिए मैं हाइड्रोजन जोड़ता ही नहीं हूँ, हाइड्रोजन के अलावा और क्या जोड़ता हूँ? कार्बन। ठीक है, और सुनना, एक फाइनल रिजल्ट बता रहा हूँ इसकी हेल्प से, जो कि आपको बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? ये कौन सा ग्रुप है? इसके इधर भी कितने भी कार्बन जुड़ सकते हैं, इसके इधर भी कितने भी कार्बन जुड़ सकते हैं। ये जो कार्बन जुड़ रहे हैं ये एल्काइल ग्रुप बना रहे हैं। CH3, CH3 का नाम याद करो, मिथाइल। क्या नाम था? तो इधर भी कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है, इधर भी कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है। और एल्काइल ग्रुप को ना हम R से रिप्रेजेंट कर, बुक्स में जो सिंबल दिया है इसके लिए वो क्या दिया है? तो इधर भी कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है, मतलब R जुड़ सकता है, मतलब कितने भी कार्बन का जुड़ सकता है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। इधर भी कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है। अब मैं इतने सारे कार्बन तो बनाकर नहीं दिखाऊंगा, तो उसके लिए मैंने सिंबल क्या यूज कर लिया? अब बताओ गड़बड़ क्या है फिलहाल? गड़बड़ ये है कि जरूरी थोड़े ना दोनों साइड इक्वल जुड़े, इस साइड भी कितने भी जुड़ सकते हैं, इस साइड भी कितने भी जुड़ सकते हैं। जैसे यहाँ एक जोड़ा था और इधर कितने जोड़ दिए थे, है ना? तो ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं। तो अगर एक को R से शो कर रहे हो तो दूसरे को R डैश से शो कर दो। किससे शो कर दो? R डैश, ताकि पता रहे कि ये अलग है और ये अलग है। ये किस चीज़ को समझ आ रही बात? ये तो कीटोन का था, ये किसका फॉर्मूला है? कीटोन। एल्डिहाइड का क्या होना चाहिए? तो फॉर्मूला था कीटोन का, एल्डिहाइड ऐसा दिखता है, एक डबल बॉन्ड हो और एक एच और एक बॉन्ड फ्री रहती है। उस फ्री बॉन्ड पर कोई भी आकर जुड़ सकता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन आकर जुड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? ठीक है, तो ये किसका जनरल फॉर्मूला हो गया एक तरह से? एल्डिहाइड। ओके, इसे भी लिख लेना। पर एक और केस बनता है, वो याद रखना, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हर बार कार्बन आए। एक केस में हाइड्रोजन भी आ रहा था जो सबसे पहला एग्जांपल था, क्योंकि मैं हाइड्रोजन भी जोड़ सकता हूँ, कार्बन भी जोड़ सकता हूँ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है। लास्ट ग्रुप कौन सा बचा है हमारे पास? देखो जरा नोट्स में लिखवा रखा है, कौन सा एसिड है? तो अपने पास हेडिंग बना रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड था COOH, एक बॉन्ड फ्री थी इसके पास, और इसके लिए जो सफिक्स हमें यूज करना है उसका नाम है ओइक एसिड। क्या नाम है उसका? ओइक एसिड। ओके, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा दिखता है। तो एक तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा होता है इसमें, और एक सिंगल बॉन्ड के साथ OH वाला ग्रुप जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? तो इसका स्ट्रक्चर COOH का स्ट्रक्चर अगर मैं एक्सपेंड करके देखूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड पर O जुड़ा हुआ है, और एक सिंगल बॉन्ड के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? O। ये किसका स्ट्रक्चर है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसे जल्दी से बना लो अपने पास, फिर इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कौन से नंबर के एग्जाम्पल पर आ गए हैं? 33। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास एक फ्री बॉन्ड है, उस फ्री बॉन्ड पर कोई भी आकर जुड़ सकता है, कोई भी से मेरा मतलब है हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है। और क्या मैं यहाँ हाइड्रोजन जोड़ सकता हूँ? हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड फ्री थी जुड़ सकता है। ये किस किस को समझ आ रही बात? नाम रखते हैं इसका। नाम रखने से पहले इसका फॉर्मूला थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। एच हमने लिखा है, और ये क्या था पूरा? सीओ। तो ये कहलाएगा SCOH।
जैसे रीड करोगे इसको प्राउडली बोलो एक साथ, ये जो एस सी ओ एच बना है इसका नाम रख देते हैं, एक कार्बन है इसके, डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में ही देखते हैं, ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसमें क्या आना चाहिए ए, लेकिन ई को हटाना पड़ेगा, ई को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है और ई जो हटाया उसकी जगह क्या लगाओगे, ओइक एसिड। तो बच्चों इसका पूरा नाम क्या पड़ेगा, मिथानोइक एसिड, क्या पड़ेगा इसका नाम, मिथानोइक एसिड। और कहाँ पढ़ा हमने, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा था, आंट स्टिंग जो होता है या बी स्टिंग जो होता है, नीटल प्लांट की जो स्टिंग होती है, उन सब में मिथानोइक एसिड होता है जो कि पेनफुल होता है। मिथानोइक एसिड का एक और नाम बताया था फॉर्मिक एसिड, ये सब लिखते जाओ अपने पास, सारी चीज़ें आपको पता रखनी है, ध्यान रखनी है, दिमाग में पीट करके रखनी है, तब रख पाओगे जब बार बार याद करोगे, बार बार पढ़ोगे। एक और एग्जांपल देख रहे हैं बोर्ड पर सभी बच्चे फोकस के साथ, इसको नोट बाद में करना है इस वाले एग्जांपल को, पहले इसको समझ लो, ये किसका, ये कौन सा ग्रुप बनाया मैंने यहाँ पर, कौन सा, ये इसके एक बॉन्ड फ्री है, उस फ्री बॉन्ड पर हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है और कार्बन भी, हाइड्रोजन को तो जोड़ के देख लिया वो अलग केस तो खत्म हो गया, अब किसको जोड़ कर देखेंगे, अक्षांश आप भी इधर ध्यान दो, किसको जोड़ कर देख रहे हैं आप, अब कार्बन अकेला थोड़ी ना आता है, कार्बन के पास कितनी बॉन्ड्स होती हैं, थ्री बॉन्ड्स होती हैं, चार बॉन्ड होती हैं, एक तो बन गई, कितनी फ्री हैं, उन तीनों पर कौन आ जाएगा, नाम रखते हैं इसका, फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना है इसलिए काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी, वन टू, क्या नाम रखेंगे इसका, दो कार्बन है इसलिए बोलो, दो कार्बन है इसलिए, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए, ई को हटा देंगे और पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके लिए क्या आता है फिर, ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या पड़ेगा बच्चों, मिथानोइक एसिड, क्या बोलेंगे इसको, चलो इसे जल्दी सुनो, मिथानोइक एसिड, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्मूला करके इसका लिखूं तो ये बनेगा CH3COOH। इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, लिख लेना, इथेनोइक एसिड को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है। एक लास्ट, बस मुझे इसका नाम लिखकर दिखा दो, बताओ आपके हिसाब से कैसे नंबरिंग शुरू करें, COH को फर्स्ट नंबर दे दो, क्योंकि नंबरिंग करते हुए फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर देने की कोशिश करनी है, तो मैं यहाँ से भी तो काउंटिंग शुरू कर सकता हूँ, तो यहाँ से फर्स्ट नंबर को, फिर ये टू इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, एक ही बात है, ये जो चेन का पार्ट नहीं बना इसको क्या बोलते थे, सब्स्टिट्यूएंट की डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम विद पोजीशन लिख देते हैं, सेकंड नंबर पर आ रहा है, क्या नाम है इसका, मिथाइल, बाकी का बचा हुआ नाम हम चेन के हिसाब से लिखते थे, तीन कार्बन की चेन है तो क्रॉस, सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो तीन, ई को हटाएंगे बस सी एच ओ ग्रुप के लिए क्या लगाएंगे, पोजीशन मेंशन करनी होती है कि वन नंबर पर जुड़ा हुआ है, लेकिन वन को हम नहीं लिखते इसलिए नहीं लिखते, अगर टू पर होता तो मुझे लिखना पड़ता प्रोपेन टू ओइक एसिड, किस किस को समझ आ गया, किस किस ने ठीक लिख लिया था, चलो।